जी, मेरी गुजरात की मिट्टी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्वान थे। विवेकानंद जी उनके साथ वार्ता करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे वार्ता करते थे, लोकमान्य तिलक उनका मार्गदर्शन में संपर्क बनाए रखते थे और लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे इस गुजरात के सपूत ने इंडिया हाउस का निर्माण किया था। और मदनलाल धींजरा ने कर्नल वाइली का को मारने का काम उस इंडिया हाउस में किया था। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों के वो गुरु माने जाते थे। उन्होंने 1930 में उनकी मृत्यु हुई और मरते समय उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अस्थि जो है उसको संभाल के रखा जाए, लेकिन देश जब आजाद हो तब मेरे अस्थि आजाद हिंदुस्तान में ले जाएं, ताकि मैं जो भारत आजाद भारत की सांस लेना चाहता था जीते जी नहीं ले पाया, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि को आजाद हिंदुस्तान की हवा का रुख का पता चले, इसलिए ये मेरे अस्थि संभाल के रखे जाए, देश आजाद होने के बाद उसे ले जाया जाए। 1930 से वो अस्थि जिनेवा के स्मशान में रखे गए थे, वहां की सरकार ने रखे थे। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम था कि कोई प्रतिनिधि को भेज करके देश के लिए जीने मरने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अस्थि को हिंदुस्तान ला देते, नहीं किया, 2003 तक नहीं किया। भाइयों बहनों, 1930 में मृत्यु हुई, 73 साल तक और आजादी के 50 साल के बाद भी वो अस्थि इंतजार कर रहे थे कि हिंदुस्तान का कोई लाल आएगा, ये मेरे अस्थि हिंदुस्तान ले जाएगा और आजाद भारत की हवा का मुझे अनुभव कराएगा। ये काम प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी ने नहीं किया, इतिहास को दबोचने का प्रयास हुआ। भाइयों बहनों, ये मेरा सद्भाग्य था, ये मेरा सद्भाग्य। 2003 में मैं गया जिनेवा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की आजादी के लड़ने वाले क्रांतिकारियों के गुरु, उनके अस्थि मैं खुद कंधे पर उठा करके ले आया और आज कच्छ के मांडवी में उनके गांव में इंडिया हाउस बना करके उनका स्मारक हमने खड़ा किया है। इतिहास का गौरव कैसे होता है, इतिहास का सम्मान कैसे होता है, इसके ढेर सारे उदाहरण हमारे पास है। भारत का इतिहास उठा के देखिए, जिस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग, जितनी गालियां सोशल मीडिया पे वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ में बोली गई है, उतना भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना ज्यादा अपशब्दों का उपयोग नहीं हुआ है। और आप बात करते हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज नहीं बोल सकते।